अंधेरा अंधेरा ही देखिए। चलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अभी शैम्पू कर लिए हैं और अभी नहा के आए हैं। अभी जा रहे किचन में नाश्ता बनाने, तो पहले सोचे वीडियो स्टार्ट कर लें क्योंकि आज बहुत सारा काम है और बहुत बिजी रहने वाले हैं और उसमें ब्लॉग भी बनाना है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इतने सारे काम के बीच में। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले तो नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करें, फिर दोपहर का खाना बनाए, फिर कुछ और भी करना है वो तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा, वैसे भी थंबनेल देख के पता चल जाता है। तो पहले अभी नाश्ता बनाएं। आज नाश्ते में बना रहे हैं मैगी, तो बच्चे अपना प्लेन बना के खा लिए लेकिन इसमें से भी लेंगे इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिए हैं। ओम को मतलब पसंद है इस तरह का भी, देव को नहीं पसंद है इस तरह की मैगी, मिस्टर को ज़्यादा पसंद आती है। ए, सूट नहीं कर रहा। पूछ लीजिए कि किस लिए आया है। ये वीडियो कल का है, ओम देव का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था ना, तब ओम को ये मिला मेडल, तो वो लेके आए पापा को पहनाए और पापा का जवाब सुने कि जो 150 रुपया दिए थे, मतलब ये फॉर्म भरा गया था और देव का भी भरा गया था, तो देव मैथ लिए थे और इनका कंप्यूटर का था, तो नेशनल अवार्ड मिला है इनको, फर्स्ट आए हैं। अपने स्कूल में आए हैं कि कहाँ आए, मतलब फर्स्ट आए हैं अब इतना मुझको नहीं पता। तो मिस्टर ये सब लेके आए, तो ओम कह रहे पापा को पहले से पता चल गया था कि घर में कुछ गुड न्यूज़ मतलब रखे हैं, तो इसलिए पापा इतना कुछ लेके आए हैं। और ये वीडियो मतलब ये रहता ना, अभी कुछ दिन पहले भी इडली सांभर और उसका डाले थे, तो ये काफ़ी गैप हो जाता है, ये नहीं सोचिएगा कि हर रोज़ यही सब नाश्ता आता है। तो अभी नाश्ता बन गया है, अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ी देर बाद निकालेंगे। और इधर दिखाएं आपको, ये सब हो गई है पूरी पैकिंग, तो अभी इसको पूरा ठीक से पैक करके फिर चलते हैं खाना बनाएं। और फिर रास्ते के लिए भी थोड़ा बहुत लेके जाएंगे, तो वो भी बनाना है, तो वो सब काम में लगते हैं। इसको पहले पूरा अच्छे से ठीक कर दें, पूरी मतलब हो गई है। कुछ चीज़ें होती है ना जो जैसे आज ही रख पाएंगे। आज दोपहर के खाने में तहरी बनाए हैं, तो मिस्टर का मन था कि तहरी बनाओ, तो ये पापड़ और चटनी, बाकी बच्चे अपना लेके गए। अभी रास्ते में ले जाने के लिए बना रहे हैं। ये आलू बैंगन की भुजिया है, थोड़ी सी सूखी टाइप की बना रहे हैं और थोड़ा आधी घी है, इनके लिए रात के लिए रख देंगे। अब आज का कोशिश करेंगे कि इनको आज के रात में हम खाना ना बनाना पड़े, बाकी तो बनाना है ही, कितने टाइम का रख के जाएंगे। इधर आटा लगा रहे हैं, तो कचौड़ी मसाला और अजवाइन नमक डाल दिए इसमें। तैयारी हो गई है, तो वीडियो बस थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, बैक कैमरा से जितना कुछ दिखा पाए हैं क्योंकि समय नहीं है अब उतना ज़्यादा। और पूरा ये सब हो गया
और ये जा रहे हैं रिक्शा लाने के लिए। बाकी सारे हो गए दोपहर के खाने में भी, अभी ये हो गया ना कि तहरी बना दिए, वो भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही हो गया, जबकि सोचे थे कि जो ले जाने के लिए बनाएंगे वही दोपहर के खाने का कर देंगे, लेकिन सबका मन हो रहा था कि नहीं बासमती चावल का तहरी बनाओ, तो बना दिए, वो हो गया। नाश्ते में भी बच्चों का जिद हो गया कि मैगी चाहिए, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अभी पूरा बर्तन तन सब धुल दिए हैं, कुछ भी बचा नहीं है, जितना मतलब कर सकते हैं पूरा कर दिए हैं, और थोड़ा बहुत रोटी बना लिए हैं, पूड़ी बनाए अपने लिए और इनके लिए रोटी बना के रख दिए हैं कि रात वाला कम से कम इनको ना बनाना पड़े। सब लोग आ गए हैं, बेडरूम से विदाई हो गई है, गेस्ट रूम में बैठे हैं, और ये हैं ओम अदेव मिस्टर, गए हैं रिक्शा लाने के लिए, तो फिर निकलते हैं। और काम सारा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी, मतलब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना जब घर छोड़ के जाओ तो, और मिस्टर पे छोड़ के जाते हैं, वैसे तो वो छोड़ देते जितना काम, तो वो करते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन लगता है ना कि ये भी कर लें वो भी कर लें जितना हो सके। और खाने का भी ये बोल रहे थे कि क्यों खाना बना दी रात के लिए, बनाऊंगा नहीं, एक टाइम अगर नहीं बना मतलब बना के रख दी हो तो उससे मेरा बचत हो जाएगा क्या, रोज़ रोज़ तो बनाना ही होगा। और पहले तो था ना कि पहले जाते थे तो इनका रहता था कि बाहर खाना खा लेते थे, अब तो हो गया ना कि बाहर का खाना इनको बिल्कुल नहीं खाना है। तो छत पे आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की? तो वही सब दिक्कत हो जाती है। और केवल कल भर में पूरी पैकिंग हुई, जो थोड़ा बहुत प्रेस करके और ये सब काम करके शॉपिंग करके रखे थे वही सब। दोनों लोग आके बैठ गए, अभी ट्रेन से थोड़ी देर है, वरना तो 12:45 पे यहाँ आने का समय है, अभी आज नहीं आई है। तो ये प्रयागराज का रामबाग स्टेशन है, तो ये ट्रेन यहीं पे आती है, तो आज तो काफ़ी परेशान कर दी ये ट्रेन, तो पूरा वीडियो में देखिएगा। ट्रेन अभी चल रही है और देखिए अंधेरा हो गया, जबकि इसका समय यहाँ से खुलने का 3:45 का है और ये 6:45 हो रहा है, पूरे 3 घंटा लेट चल रही है। और ये यमुना जी पुल है, तो नया वाले पुल का देखिए लाइटिंग की व्यू कितनी खूबसूरत आ रही है, पुराने वाले पुल पे ये ट्रेन चल रही है अभी, और नए वाले पुल का बहुत ही अच्छा, इसकी लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगता है, थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर करिए, जब देखने में अच्छा लगता है ना तो लगता है थोड़ा बहुत वीडियो भी बना लें। अभी बनारस आ गया है, पूरा सफ़र अंधेरे अंधेरे का ही हो गया, वरना ऐसा रहता है ना कि 8:45 पे ही हो जाता है कि ट्रेन मतलब हमारी स्टेशन पे आ जाता है। और बनारस से अभी ट्रेन खुल गया है, तो बनारस का जो घाट है उसकी लाइटिंग है। यहाँ के बाद आ गया मुगल सराय, तो मुगल सराय से खुलने के बाद का है, और पूरे जगह मतलब यहाँ तो लाइटिंग ज़्यादा है तो इस वजह से रोशनी आ रहा है, वरना जैसे लग रहा था कि दिसंबर जनवरी का कोहरा जैसा पूरा मतलब मौसम था। पूरा अंधेरा है, टाइम हो रहा है 11:40 पे, पूरा कोहरा सा है। अभी हम लोग उतर गए हैं, तो अभी गमर स्टेशन पे उतर गए हैं और रात के बज रहे हैं 11:40, तो कहाँ 8:45 के लगभग में समय है, बहुत देर होता है तो 9:15 तक आ जाता है, कहाँ 11:40, तो काफ़ी मुश्किल हो गया। और ये रिश्ते बैठा रहे हैं, दोनों लोगों को लेके जाएंगे और इन लोगों को छोड़ के आएंगे तो फिर मुझे ले जाएंगे।
ओम को अदे को छोड़ के आ रहा है, मुझे लेके जा रहा है। तो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से पास ही में है, 5 मिनट का रास्ता है, छोड़ के आएगा फिर। तो अब इसी के साथ आज के इस वीडियो का भी एंड करते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आने वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो बने रहिए।